गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 17 निकालिए। पेज नंबर 17 बच्चों, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या आता है? अ आ ई ई उ रु, ए ऐ ओ औ अम आहा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में क्या आता है बच्चों? व्यंजन में क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। तो ये क्या हुए? व्यंजन। तो आप भी हमने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं। पेज नंबर 29 निकालिए बच्चों। पेज नंबर 29 यानी 29, यहाँ क्या दिया है बच्चों? शब्दों का परिचय। दो अक्षर वाले शब्द, दो अक्षर वाले शब्द, जैसे हमारे व्यंजन है ना बच्चों, व्यंजन को हमने यहाँ जोड़ लिया है। जैसे एक व्यंजन दूसरे व्यंजन को जोड़ने के बाद एक शब्द तैयार हुआ, एक शब्द तैयार हुआ और वो दो अक्षर वाला शब्द है। कितने अक्षर वाला? दो अक्षर वाला। कम कल चल धन खत छत हल घर जग पल रथ जल फल पथ नल। ओके, तो ये आपको क्या करना है? घर में दो बार पढ़ना है और ये दो बार क्या करना है? लिखना है। टू टाइम राइट, दो बार ये लिखना है। पेज नंबर 30 पर आइए बच्चों। पेज नंबर 30 पर ये क्या है? तीन अक्षर वाले शब्द। क्या है? तीन अक्षर वाले शब्द, जैसे कि कमल चमन भजन गगन चरखा मगर कलम चरण महल नयन कलश वजन नगर पवन सरल नमन कमर कवच। ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको टू टाइम लिखना है। ओके, टू टाइम लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 31 आइए, 31 पार्ट पहला। ये पहले पार्ट हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैं आपको 12 खड़ी सिखाती हूँ। पार्ट पहला। मदन घर चल, बस पर घर चल, सड़क पर मत चल, इधर आ। पार्ट दो। पवन इधर आ, अब 10 बज गए, इधर आकर खत पढ़, झटपट खत पढ़, खबर रख। पार्ट नंबर 3। अमर घर आ, घट पर घट रख, झटपट कर, गप मत कर, उछल उछल कर न चल। पार्ट 4। गगन छत पर न चढ़, छत पर चढ़कर कसरत मत कर, उपवन तक चल, चलकर फल चक। पार्ट 5। अमन यह जग रख, अमन यह जग रख, जग ढककर रख, जग रख कर झटपट आ, तब यह चमचम चक, झटपट कर, हर दम खटपट मत कर।
अब इधर बैठ, ठहर ठहर कर मत चल। पाठ छः, भगत घर चल, आलस मत कर, सड़क पर चल, टमटम आई, अब टमटम पर चढ़, घर पर चल, घर पर आकर अचकन बदल, अचकन बदल कर आम चौक। बालगीत एक। मीनू निकली घर से बाहर, मीनू निकली घर से बाहर, बाहर से लाई सड़ा अचार, अस्पताल की गाड़ी आई, मीनू को ले गई अस्पताल, डॉक्टर बोले बारंबार, अब कभी न खाना सड़ा अचार। बच्चों ये बालगीत आप पढ़ रहे हैं ना जोर जोर से घर में, हर रोज़ पढ़ना है बच्चों, ओके। बालगीत दो। आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी रेल, हम इंजन है फक फक करते, तुम डिब्बे हो छक छक करते, टिकट विकिट का काम नहीं लगता जिसका दाम नहीं, स्टेशन आया रुक गई रेल, हुआ ख़त्म अब अपना खेल। बालगीत तीन। एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी, 3 संतरी दौड़े आए, 4 दवा की पुड़ियाँ लाए, 5 मिनट में दवा बनाई, 6 मिनट में दवा पिलाई, 7 मिनट में आंखें खोली, 8 मिनट में राजा से बोली, 9 मिनट में उठकर बैठी, 10 मिनट में भाग गई, सब बच्चों को गिनती आई। अंकों की गिनती, अंकों की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम देखेंगे बच्चों 12 खड़ी। कल मैंने आपको ये जो स्वर है ना, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा, तो इन स्वरों के ये मात्राएं हैं और यही मात्राएं व्यंजन को लगाने के बाद तैयार होती है 12 खड़ी। ये जो मात्राएं हैं, ये मात्राएं व्यंजन को लगाने के बाद क्या होती है, 12 खड़ी। 12 खड़ी क्यों होती है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 है, इसलिए 12 खड़ी। क की 12 खड़ी कैसे पढ़ते हैं, क का की कु कु के कई को कौ कम कहा, ख खा खी खु खु खे खई खो खौ खम खहा, ग गा गी गी गु गु गे
गई, गो, गौ, गम, गहा। तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या दिया था मैंने, क से ठ तक बारह खड़ी दो बार लिखने के लिए कहा था। ठ के बाद बच्चों आता है ड, ड की कैसे लिखते हैं बारह खड़ी, ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डम डहा। ठ था ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठम ठा। न ना नी नी नु नु ने नै नो नौ नम नहा। त ता ती ती तु तु ते तै तो तौ तम तहा। थ था थी थी थु थु थे थै थो थौ थम थहा। तो बच्चों आपको ड से थ तक आपको क्या करना है, दो बार लिखना है बारह खड़ी। समझ में आ गया? ओके। तो अगली बारह खड़ी हम सोमवार के दिन देखेंगे। ओके। तो बच्चों ये जो बारह खड़ियाँ है आपको जोर जोर से दो बार पढ़ना है और लिखना भी है। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।